जो लोग सब तीर्थों में स्नान का फल पाना चाहते हैं और स्नान करने का टाइम नहीं या शरीर ठीक नहीं, उनके लिए बताया है कि जो सब प्राणियों के साथ में कोमलता का बर्ताव करता है, प्रेम का बर्ताव करता है, उसे घर बैठे ही सब तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है, विशिष्टतः विशेष फल मिलता है। अपने सासू के साथ में भी कोमल बर्ताव करो। कितनी माताएं बहनें मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ती है, माथा टेकती है और गिरी पड़ी रहती है और अपनी सासू के पास आकर के बिल्कुल शेरनी की तरह गरजती है। तो दुर्गा देवी तो समझती है ना कि ये तो बहुत खतरनाक है, वहां सासू के पास में तो विकराल रूप दिखाती है और दुर्गा देवी मंदिर में आकर के ये हाथ जोड़कर गिरी पड़ी है, कोई फल मिलने वाला नहीं है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनाइबे मंदिर हम काहे को जाए। मंदिर हम क्यों जाते हैं? सीखने के लिए, समझने के लिए, सुधरने के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर ऐसे कोई फालतू थोड़े जाते हैं कि कोई सुख शांति मिल जाए, इसीलिए तो जाते हैं। लेकिन देखिए जिसने भजन रचा है बहुत बड़ी बात कहा है कि सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, घर घर में शांति इसी से आएगी। ईश्वर बनाइबे मंदिर हम काहे को जाइबे, बहुत ध्यान देना है। सासू को ईश्वर बनाइबे मंदिर हम सासू को गौरा को जाइबे। एक बहू कह रही है मैंने अपनी सासू में ही गौरा का रूप देखा है और ससुर में महादेव का रूप देखा है और अपने पति को ईश्वर का रूप समझकर उनकी सेवा कर देती हूं। अब जिस नारी का भाव इतना पवित्र हो चुका है उस नारी का घर भी मंदिर से कम नहीं और वो नारी स्वयं नारायणी से भी कम नहीं जिसका इतना पवित्र भाव हो गया। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, लेकिन गौरा बनने के योग्य कौन सासू है? जिस सासू के कर्तव्यों से, कार्यों से, स्वभाव से घर का गौरव बढ़ा है वो सासू गौरा का स्थान पाती। और महादेव कौन ससुर है? महादेव सब देवता तो देवता हैं, देव हैं, लेकिन शंकर जी महादेव क्यों कहे गए? क्योंकि सब देवताओं ने अमृत पिया इसलिए उन्हें देव कहा गया, पर शंकर जी ने जहर पिया इसलिए उन्हें महादेव कहा गया। तो आपके घर में जहर भी है, थोड़ा जहर पीना सीखो तो महादेव बन जाओ। एक भक्त के यहां मैं पदरौनी गया था तो मैंने पूछा कितना बड़ा परिवार है, तो बोले 65 मेंबर्स, 65 मेंबर है। तो मैंने कहा 65 है तो इनको चलाता कौन है? तो सबने इशारा दिया ये हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? बोले 75 साल। मैंने कहा इस परिवार को तुम चलाते हो? बोले हाँ मैं चलाता। तो मैंने कहा बाबा कैसे चलाते जरा फार्मूला बताओ, ये 65 लोगों को चलाना है तो बहुत बड़ी कला है। तो उसने कहा मैं चलाता हूं जहर के घूंट पीकर चलाता। तो मैंने कहा जहर के घूंट तो अभी तक मरे नहीं। तो बोले शंकर जी ने जहर पिया था वो भी नहीं मरे और मीरा ने जहर पिया वो नहीं मरी और मैं घर का जहर पीता हूं मैं भी नहीं मरूंगा। तुमने कहा जहर के घूंट कैसे? उसने कहा सबकी सह लेता हूं, सबकी गम खा लेता हूं, सबको क्षमा कर देता हूं और सबको प्रेम देता हूं, सबका ख्याल करता हूं, कोई मेरा ख्याल करे ना करे लेकिन मैं सबका ध्यान रखता हूं और सबको निभाता हूं
तब ये 65 लोगों का परिवार चल रहा है, निभाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संगठन अच्छी चीज है, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। परिवार को जोड़ के रखो, परिवार के सभी सदस्य संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें, और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान राम ने रीछ भालू बानर इनका संगठन बनाया था तो लंकापति को जीत लिया था। बिना संगठन के भगवान भी असफल थे। भगवान ने सिखा दिया है कि रीछ भालू बानर को भी मैं संगठित करके लंकापति रावण को जीता हूं, और तुम अपने घर के सदस्यों को संगठित नहीं कर पाते हो। करो संगठित। संगठन वही बना सकता है जिसके अंदर त्याग होता है। अपना सुख त्याग करना पड़ता है, अपनी सुविधा त्याग करना पड़ता है। जैसे राम ने राजपाट त्याग कर दिया, वनवास स्वीकार कर लिया, तो भाई भाई में संगठन बना रहा, प्रेम बना रहा। अगर वो त्याग ना करते, वो कहते मेरा हिस्सा बांट दो, मैं वनवास नहीं जाऊंगा, तो तुरंत सब बिखर जाता बेटा। त्याग की आवश्यकता है। यदि आपके शराब पीने से भाइयों के संबंध बिगड़ रहे हैं तो कृपया शराब का त्याग कर दीजिए। जुआ खेलने की आदत आपकी अगर परिवार में विखंडन पैदा कर रही है, कृपा करके जुआ खेलने की आदत को त्याग कीजिए। और यदि आपकी आलस्य के कारण परिवार में कलह कलेश बढ़ रहा है, आलस्य की आदत को छोड़िए, मेहनत करना शुरू करिए। यदि आपके ज्यादा बोलने की आदत से परिवार में बहुत बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो अपनी ज्यादा बोलने की आदत को त्याग करिए, थोड़ा कम बोलिए, शांति से बोलिए और थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए। और ज्यादा बोलने से आपका परिवार बिगड़ सकता है, इसलिए थोड़ा मौन रहना भी सीख लीजिए। कितने लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके बोलने से परिवार बिगड़ गया, पूरा परिवार गड़बड़ा गया। ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखो, और को शीतल करे आप शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। तेरी बाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गाइए। तेरी बाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। वाणी बहुत बड़ी चीज है। वाणी किसी गांव के सरपंच को एक राजा ने आमंत्रित किया कि मेरे राजभवन का उद्घाटन है, आप आइए। बहुत से लोग बड़े बड़े सब गए इकट्ठे हुए, लेकिन वो सरपंच गया तो मुंह नीचे लटका के बैठा था। किसी के उद्घाटन समारोह में जाओ, शादी समारोह में जाओ, मुंडन समारोह में जाओ, अब नीचे मुंह लटका के बैठोगे तो उस पर असर गलत पड़ेगा। तो राजा ने पूछा, सरपंच साहब वो फेमस था, आप नीचे मुंह लटका क्यों क्यों बैठे हैं, कोई दुख है क्या? बोले हाँ दुख है। बोले क्या? बोले ये राजभवन का जो गेट है ये छोटा है। बोले ये राजभवन का जो गेट है ये छोटा है। तो बोले छोटा है तो तुम्हें रोज थोड़े निकलना है,
आपको तो आज पहली बार बस, फर्स्ट इन द लास्ट। बोले नहीं नहीं मैं बहुत दूर की सोचता हूँ, मैं दूरदर्शी आदमी। क्या सोचते हो? बोले ये सोचता हूँ प्रेमदास, मैं ये सोचता हूँ कि आप जब मरेंगे तो आपकी जब लाश निकाली जाएगी तो एक गेट छोटा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं वहां तक की सोच रहा हूं। तो राजा को गुस्सा आ गई कि उद्घाटन समारोह है, खुशी का कार्यक्रम है, मरने की बात कर रहा है और मेरे मरने की बात कर रहा है, और फिर मरेंगे तो गेट तोड़ना पड़ेगा। बहुत फालतू सेटिंग कर रहा है। किसी के घर में उद्घाटन में जाओ तो वहां ज्यादा सेटिंग भी मत करो, जो है उसी में ताली बजा दो। तुम वहां की कहां मैनेजमेंट करते हो फालतू? तो राजा को गुस्सा आ गई, बोले उद्घाटन तो खैर होगा ही, लेकिन इसका सरपंच का पहले उद्घाटन कर दिया जाए, इसको जेल में डाल दो, मूर्ख है पक्का। सरपंच जेल में चला गया, उद्घाटन हो गया, दोपहर हो गए, सरपंच वापस घर नहीं गया क्योंकि जेल चला गया। तो सरपंच की जो पत्नी थी, सरपंचिन परपंचिन, तो वो आई, उसने कहा सरपंच साहब कहाँ? तो सिपाहियों ने कहा वो जेल चले गए। बोले कैसे चले गए? अरे बोले ऐसी बात बोल दिया, राजा साहब नाराज हो गए, जेल भेज दी। क्या बोला? अरे उन्होंने बोला कि राजा साहब आपकी जब मृत्यु होगी, आपकी अर्थी निकलेगी, ये गेट छोटा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अरे सरपंच को घर में भी तो बोलना नहीं आता है, यहाँ भी सब बोलकर बिगाड़ दिया। चलो मुझे राजा साहब से मिलाओ, मैं बात कर लूंगा। राजा साहब से मिलाया सरपंचिन को, तो सरपंचिन ने कहा राजा साहब मेरे पति को जेल से छुड़ा दो, क्योंकि जो उन्होंने बात कहा है वो गलत है, गेट तोड़ने की जरूरत ही नहीं, जब आपकी मृत्यु होगी इतना सुंदर गेट बना, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, आपकी लाश तो मिट्टी हो जाएगी मरने के बाद, तो इसको टुकड़े करके निकाल लेंगे बाहर। राजा को बहुत क्रोध आया कि ये तो सरपंच की पत्नी, उससे ज्यादा खतरनाक, मेरे लाश के टुकड़े, अरे इसको भी जेल पहुंचाओ जल्दी। वो भी जेल पहुंच गए। अब शाम तक सरपंच और सरपंचिन दोनों वापस नहीं गए, तो सरपंच का लड़का आया। अब बबूल का लड़का भी बबूल ही हो आया, उसने कहा मेरे माता पिता आए थे, वापस नहीं लौटे, कहाँ हैं? सिपाही ने कहा दोनों जेल में, क्या गलती हुई, बोलना नहीं आया? तेरे पिताजी ने राजा साहब से कहा जब मरोगे गेट छोटा है, गेट तोड़ना पड़ेगा, तब अर्थी निकलेगी। तो तेरी माँ ने कहा कि अरे गेट तोड़ने की क्या जरूरत है, लाश तो मिट्टी हो जाती, टुकड़े करके निकाल लेंगे तब बाहर कर लेंगे। अरे मेरे मम्मी पापा को तो घर में भी बोलना नहीं आता है, उनको अकल ही नहीं है, आपस में लड़ते रहते घर में भी। चलो मुझे राजा साहब से मिलाओ, मैं बता दूं। राजा साहब से मिलाया तो राजा साहब से उसने कहा क्षमा कीजिएगा मेरे माता पिता को, ये गेट जो छोटा है तो आपकी लाश जब मरेंगे आपको फिर मरने की चर्चा रोज, तो गेट तोड़ने की जरूरत नहीं, लाश के टुकड़े करने की जरूरत नहीं, आपके राजमहल का आंगन बहुत बड़ा है, इसी में दफन कर देंगे, बाहर ले जाने क्या काम। राजा ने कहा ये तो पूरा पागल है, ये कोई मरघट है कि राजभवन है, उसको भी जेल में डाल दिया। याद रखना, बोलना ना आए तो जेल में माता पिता बेटा सब पहुंच सकते हैं, और बोलने की कला हो तो जहां बैठने की जगह नहीं मिलती वहां लेटने की जगह मिल सकती है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है,
प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ ताली बजाकर गाइए, स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पर मुस्कान है, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सकल सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनुष्य प्रेम का सागर भी, मनुष्य जब प्रेम करने का संकल्प लेता है, पेड़ पौधों से भी प्रेम कर देता है, पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है और मनुष्यों से भी प्रेम करता है। और जिनके पास में प्रेम करने की कला है, प्रेम से जीने की कला है, प्रेम से रहने की कला है, प्रेम से कार्य करने की कला है, वह लोग जहां रहते हैं वहां स्वर्ग जैसा वातावरण बनता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सुंदर घर बनाओ। जिनको मैं याद कर रहा था वो परिवार आ चुका है, बकानी राजस्थान झालावाड़ से घाटिया साहेब खड़े हो, ये श्री पुरुषोत्तम घाटिया जी हैं, चिरंजीव घाटिया खड़े हो जाओ, भैरूलाल घाटिया और उनके घर की माताएं बहनें कृष्णा देवी, रानी जी। तुम सोचते हो कि सबके नाम कैसे जानते हैं? कम से कम उनके हमें 15 बार जा चुका हूं, बहुत प्रोग्राम किया और बहुत बड़ी श्रद्धा है। और शुरू से मैं देख रहा हूं वो समाज की भी सेवा करते हैं, मंदिरों में भी सेवा करते हैं, संतों का भी सत्संग कराते हैं, भंडारा भी करते हैं और दिन पर दिन उन्नति होती ही जा रही है। कुछ लोग सोचते हैं दान करने से धन घट जाएगा, जैसे कोई किसान सोचे खेत में गेहूं बोने से घर में गेहूं घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो बोए ही ना, तब तो घर का गेहूं पूरा खत्म हो जाएगा। दान करना ऐसे है जैसे खेत में गेहूं बोना है। जब 10 क्विंटल गेहूं बो देते हो तो 1000 क्विंटल गेहूं वापस आ जाता है। ऐसे दान करने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। उनका एक बेटा अमेरिका में, दूसरा बेटा भी विदेश यात्रा,
पेट्रोल पंप के भी मालिक है, और मैं तो सोचता हूं आप सभी धनवान बने, महान बने, गुणवान बने, बुद्धिमान बने, और आपकी खूब उन्नति हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। कोई भक्त गरीब न रहे। सासों को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनाई पे, मंदिर हम काहे को जाए। और आगे ये पंक्ति कह रही है, संतन के सत्संग तीरथ में मली मली दाग छोड़े वे, मंदिर हम काहे को जाए। मली दाग छोड़ी गए, मंदिर हम काहे को जाइबे। घर ही में तीर्थ बनाई गए, मंदिर हम काहे को जाइबे। माता पिता की सेवा करी के, माता पिता की सेवा करी के, कोटि न तीर्थ फल पाइबे, मंदिर हम काहे को जाइबे। कोटि न तीर्थ फल पाइबे, मंदिर हम काहे को जाइबे। एक बार देवताओं